महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम वैसे तो क्रिकेट के मैदान पर पहले ही कई रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन महिला हजाम नेहा और ज्योति से पहली बार दाढ़ी बनवाना निश्चित रूप से उनके लिए गर्व का क्षण होगा। तेंदुलकर ने ऐसा भारत में मौजूद लिंग संबंधित रूढ़िवादिता को तोड़ने में अपना योगदान देने के लिए किया। इस पेशे में अभी तक पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बनवारी टोला गांव की नेहा और ज्योति ने अपने पिता के बीमार होने के बाद 2014 में उनकी जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया। हालांकि इन दोनों के लिए ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में लोग महिला का हजाम से दाढ़ी नहीं बनवाते थे या बाल नहीं कटवाते थे। जिलेट इंडिया के विज्ञापन में उनकी प्रेरणादायी कहानी को उजागर किया गया, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस विज्ञापन को YouTube पर 1.60 करोड़ लोग देख चुके हैं। इसके बाद ही तेंदुलकर ने इन दोनों से दाढ़ी बनवाने का फैसला किया। तेंदुलकर ने फिर इसे Instagram पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आप शायद इसे नहीं जानते, लेकिन मैंने कभी भी किसी से शेव नहीं बनवाई है। आज ये रिकॉर्ड टूट गया। इन महिला हजाम से मिलना सम्मान की बात है। तेंदुलकर ने इन दोनों को जिलेट स्कॉलरशिप भी प्रदान की है, जिनमें वो उनकी शैक्षिक और पेशावर जरूरत को पूरा किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।